फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक स्पेनिश वेब सीरीज के बारे में। ये डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। डिज्नी हॉटस्टार पे ये एनास रिवेंज के नाम से है और नेटफ्लिक्स पे हर मदर्स किलर के नाम से है। सो ये सीरीज मैंने देखी, टोटल 56 एपिसोड्स की है। हर एपिसोड 45 मिनट्स का और बेसिकली एक रिवेंज ड्रामा सीरीज है और साथ में पॉलिटिकल थ्रिलर भी है। और इसमें हर तरीके का एलिमेंट मौजूद है। हम कहें तो कॉमेडी नहीं है इसमें, इसके अलावा हर चीज है इसमें। थ्रिल, सस्पेंस, लीगल ड्रामा, फैमिली ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, रिवेंज स्टोरी, एक इमोशनल स्टोरी, मतलब एक कंप्लीट, ये मेरे को वेब सीरीज एक कंप्लीट स्टोरी लगी। और एक शब्द में मैं इसको कहूं तो इट्स ए मास्टरपीस। अभी तक मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी है, सो इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स और टॉप 3 में मैं इसको जरूर रखूंगा। जितनी भी मैंने वेब सीरीज आज तक देखी है, मेरे को बहुत पसंद आई। इसका जो प्लॉट है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और हर एपिसोड में, हर सीन में पता लगता है कि डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने बड़ी मेहनत की है। इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, काफी सस्पेंस भी है, इसमें एक्टिंग बेहतरीन है। इसकी जो स्टोरी है, वैसे स्टोरी देखा जाए तो सिंपल सी है। एक रिवेंज ड्रामा है जिसमें कि एनालिया नाम की एक लड़की है जो कि बचपन में अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखती है। तो मर्डर किया होता है गुलेरमो नाम के, जो इसमें मेन विलन है उसने, और वो उससे जान बचा के निकल जाती है। तो बड़े होने पर जब वो बड़ी होती है, तो वो इसी मकसद से बड़ी होती है कि मुझे बदला लेना है उससे। और जो अब वो शख्स था जिसने उसकी माँ का मर्डर किया होता है, वो काफी ऊंची हस्ती बन चुका है और प्रेसिडेंसी का इलेक्शन वो लड़ रहा है। तो इस स्टेज पे अनालिया उसकी लाइफ में एंटर करती है और फिर किस तरीके से पूरा ये प्लॉट आगे बढ़ता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो डायरेक्शन है वो बड़ी बेहतरीन है। सो मेन इसमें जो स्टोरी है, अनालिया वर्सेस गुलेरमो, इनके बीच की ये कंफ्लिक्ट है। पर इनके अलावा भी इसमें और भी किरदार है जो काफी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने सबने रोल अच्छा किया है। जैसे पाब्लो, जो कि अनालिया का बचपन का फ्रेंड है, और जब वो इसकी लाइफ में एंटर करती है बड़े होके, तो पाब्लो गुलेरमो का ही राइवल है इसमें पॉलिटिकल फील्ड में। इसके साथ ही गुलेरमो के 3 बच्चे हैं, दो बेटियां एक बेटे, इसकी एक खूबसूरत वाइफ भी है रोजारियो नाम की, और जो पाब्लो है उसकी उसकी वाइफ भी है, तो उसकी भी अलग अपनी स्टोरी चलती है। तो हर करेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और जो जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, तो आप इसमें बन सा जाते हैं, स्टोरी बिल्कुल उलझती चली जाती है पर फिर भी सिंप्लीफाइड रहती है और एक ऐसा सस्पेंस सा पैदा हो जाता है कि आप छोड़ नहीं पाते, हमेशा यही रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आप एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं। मैंने तो जो ये सीरीज देखी, तो कोई एपिसोड में कहीं मेरे को बोरियत नहीं हुई और यही मेरे को लगा कि आज ही ये सीरीज पूरी कर लूं। पर फिर भी 56 एपिसोड्स की थी, तो मेरे को ऑलमोस्ट 15-20 दिन तो लगे इसको देखने में। पर सीरीज ये मेरे को बहुत पसंद आई, इसमें एक्टिंग बड़ी लाजवाब है। अनालिया जो इसमें मेन हीरोइन है, उसकी एक्टिंग लाजवाब है। तो वो रोल प्ले किया है कैरोलिन गोमेज ने, जो कि कोलंबिया की एक फेमस एक्ट्रेस है और ये 1994 में मिस यूनिवर्स खिताब में रनर्स अप भी रह चुकी है, मिस कोलंबिया भी रह चुकी है। और इसके अलावा गुलेरमो जो इसमें मेन विलन है, इसने भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। और एक विलन की एक्टिंग के लिए हम यही कहेंगे कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, तो अगर वो अपने लिए नफरत और गुस्सा पैदा करने में कामयाब हो जाए व्यूअर्स के दिमाग में, तो इसका मतलब वो बढ़िया एक्टिंग कर रहा है विलेन की, और यही गुलेरमो का किरदार करने में सफल रहता है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर 35-40 एपिसोड। तो हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहने लगते हैं कि कब इसको सजा मिलेगी और ये शख्स बचना नहीं चाहिए। तो एक्टिंग गुलेरमो की भी लाजवाब है, अनालिया जो मेन हीरोइन है उसकी भी एक्टिंग बड़ी कमाल की है, और इसके अलावा बाकियों ने भी अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा काम किया है। बट मेरे को इन दोनों की एक्टिंग इसमें बड़ी जबरदस्त लगी। और सीरीज है, सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो थोड़े बहुत लूपहोल्स हो गए पर फिर भी इतने ज्यादा मैं लूपहोल्स नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत ही लूपहोल्स है। पर एक जो मेरे को इसमें थोड़ा ड्रॉबैक लगा कि इसमें जो करेक्टर्स के नाम है वो मेरे को मिक्सअप से हुए, क्योंकि उनके नाम मेरे को इजिली याद नहीं हो पा रहे थे,
ऐसे ऐसे सीरीज में देख रहा था, तो जब भी उनकी बात होती थी ये करेक्टर्स के नाम लेते थे तो तब वहां पे मेरे को दिक्कत होती थी। बट इसके अलावा ये सीरीज बेहतरीन थी, जबरदस्त लगी मेरे को, मजा आया देख के। और मैं तो कहूंगा इट्स ए मस्ट वॉच। अगर आप एक अच्छी बढ़िया वेब सीरीज देखना चाहती है जो लॉन्ग सीरीज भी हो बट वर्थ वॉचिंग हो, सो ये देखनी बनती है। इट्स ए क्लासिक, एक क्लासिक वेब सीरीज है, एक मास्टरपीस है। सीरियस किस्म की है ये, पर इसमें हर तरीके का एलिमेंट मौजूद है। फुल ये पॉलिटिकल ड्रामा है क्योंकि प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस के ऊपर बेस्ड है पूरी सीरीज, बट साथ में फैमिली ड्रामा, रोमांस और इसके अलावा क्राइम बेस्ड ड्रामा, ये सब इसमें मौजूद है। सो मैं इस सीरीज को रिकमेंड करूंगा अगर आप एक अच्छी वेब सीरीज देखना चाहते हो। और मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 4.5 out of 5। सो दिस सीरीज इज अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार एज एनास रिवेंज।